देवता जीशर, ईश्वर, गणेशी और चतुर्मुख भाई है। सबसे बड़े देवता जीशर है, उसके बाद चतुर्मुख देवता जी है, फिर देवता ईश्वर है और सबसे छोटे गणेशी जी है। खाचली नाग जी चतुर्मुख देवता जी के गुरु है, जिनका मंदिर तानी जुब्बल में है। कुछ वर्षों पहले कोटगढ़ वाले कान्हा देवता जी को मानते थे। कान्हा देवता जी हर साल संक्रांत को इंसानों की बलि लेते थे। एक औरत की 5 बेटियां थी, उसमें से कान्हा देवता जी 4 बेटियों की बलि ले चुके थे। उसी प्रकार हर बार की तरह इस बार भी संक्रांत के दिन उसकी 5वीं बेटी की बलि ली जाने वाली थी और वो औरत रोते रोते तानी जुब्बल खाचली नाग जी के पास गई और रोने लगी और मदद मांगने लगी। तभी खाचली नाग प्रकट हुए और उससे कहा कि जब कान्हा देवता के सेवक उसकी बेटी को लेने आएंगे तब तुम मेरा नाम लेना। अगले दिन कान्हा देवता जी के सेवक उसकी बेटी को लेने आए, तब उसने खाचली नाग जी का नाम लिया और देखते ही देखते वहां काले बादल छा गए और वहां बादल फट गया। कान्हा देवता जी के मोहरे सब कुछ नष्ट हो गया, पर कोटगढ़ वालों और सबको अब ये चिंता सताने लगी कि ना ही कोई वहां देवता जी है, ना ही वहां कोई मेला लगेगा। फिर वे सभी मिलकर खाचली नाग जी के पास गए और उनसे कोटगढ़ क्षेत्र का राजा बनने को कहा, पर उन्होंने साफ मना कर लिया। उन्होंने कहा कि खड़ान में 3 भाई एक मंदिर में रहते हैं, वे दूध बाली को मेले में आते हैं। खाचली नाग जी ने कहा कि आप सब वहां जाओ और प्रार्थना करो, जिस देवता जी ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की उनका रथ फूल सा हल्का हो जाएगा और उन्हें वहां से तुम ले जाना। जो भी देवता जी का रथ फूल सा हल्का होगा उन्हें पूरे कोटगढ़ क्षेत्र का देवता माना जाएगा। उन्हें चांदी का छत्र पहनाया जाएगा, रेशम के वस्त्र पहनाए जाएंगे और उनके मुख पर सहरा लगाया जाएगा। देवता चतुर्मुख जी ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उनका रथ फूल सा हल्का हो गया और उन्होंने देवता जी को वहां से ले गया। देवता चतुर्मुख जी के भाइयों ने रोकने की कोशिश की, पर वे देवता चतुर्मुख जी को रोक ना सके। इसी प्रकार देवता चतुर्मुख जी को लोष्टा, बटाड़ी और शथला होकर मेलन ले जाया गया। देवता जी ने मेलन में रहने का निश्चय किया और वहां देवता जी का मंदिर बना लिया गया। आज भी चतुर्मुख देवता जी बैसाखी को लोष्टा आते हैं और वहां भंडारा करवाया जाता है। देवता चतुर्मुख जी का तीर्थ स्थान केदारनाथ माना जाता है। देवता जी केदारनाथ 15-20 साल में एक बार जाते हैं। देवता चतुर्मुख जी को 4 रियासतों का राजा भी माना जाता है। देवता चतुर्मुख जी के पास अनेकों ऐसी शक्तियां हैं, उनमें ऐसे एक शक्ति है शिरपाड़ देवता जी की। यह काली पुत्र है। शिरपाड़ देवता जी को देवता चतुर्मुख जी ने अपने साथ लाया था। देवता चतुर्मुख जी की यात्रा पर निकले थे शिरपाड़ हनोल। देवता चतुर्मुख जी के लोगों के साथ छल हुआ था और देवता जी क्रोध में होकर हनोल मंदिर गए और वहां के देवता जी को बुलाया और वहां के देवता जी ने देवता चतुर्मुख को देखा, झुककर बोले, क्षमा करें, बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें नहीं पता था कि आप आए हो, इस गलती के लिए आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। देवता जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसने यह छल किया है मुझे वो चाहिए। इस प्रकार देवता शिरपाड़ जी देवता चतुर्मुख जी के पास आ गए और उनके लिए वहां मंदिर की स्थापना की गई। कहा जाता है कि देवता जीशर जी को शिव का अवतार माना जाता है और देवता गणेश जी को गणेश जी का और देवता चतुर्मुख जी को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। देवता जी को चतुर्मुख इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे 4 रियासतों के राजा हैं। देवता चतुर्मुख जी किसी के भी सामने नहीं झुकते हैं, वे सिर्फ खाचली नाग जी और देवता जीशर के समक्ष ही झुकते हैं। देवता चतुर्मुख जी के राणा कोटखाई के हैं, जो हर बड़े कार्यों में मेलन आते हैं और देवता जी उनका स्वागत करते हैं। मेलन में बूढ़ी दिवाली बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। सुबह 4 बजे देवता जी अपने रथ से बाहर आते हैं और 2.5 फेरा आग के चारों ओर लगाया जाता है। उसके बाद देवता जी मंदिर से बाहर निकलते हैं और नाचते हुए गांव का पूरा चक्कर लगाते हैं और फिर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। अगले दिन बांड बनाया जाता है। ये बांड एक अलग तरह के घास से बनाया जाता है जिसे मुंजी कहते हैं। ये बहुत बड़ा होता है, पूरे गांव वाले इसे नचाते नचाते पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं।
जहाँ से देवता जी जाते हैं और इस फेरे के बाद बांड को देवता जी के सामने काटा जाता है। इसे शिरपाड़ देवता जी के गूर काटते हैं और जिसके पास वो सिर जाता है और उसे बड़ा भंडारा वो बकरा देना पड़ता है। खाचली नाग जी चतुर्मुख देवता जी के गुरु है जिनका मंदिर ताने जुबल में है। वे बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और चतुर्मुख देवता जी भी बहुत शांत स्वभाव के हैं। जब छोटे छोटे बच्चे चतुर्मुख देवता जी को चखते हैं तो वे उनके लिए फूल से हल्के हो जाते हैं। देवता जी का तीर्थ स्थान केदारनाथ में है। बहुत सालों पहले देवता जी के स्थान केदारनाथ में एक शक्ति आई जिन्हें हम आज केदार काली गुमटी के नाम से जानते हैं। यह केदार काली सभी शक्तियों में श्रेष्ठ है। यह विराट काली है। देवता जी जितनी बार केदारनाथ जाते हैं वहाँ से हर बार एक कंगन लाते हैं। देवता जी हर साल ठिरछू मेले में खड़ाण जाते हैं। देवता गणेश जी को बांड में फंसाया गया था और उनकी मूर्ति बाद में भक्तों को मझेपटी में मिली। मझेपटी के भौगोलिक दृश्य को देखने के बाद जो भी खड़ाण के समान था देवता गणेश ने मझेपटी में बने मंदिर में रहने का निश्चय किया। लेकिन गणेश जी ठिरछू मेले में नहीं जा पाते। देवता जी को चार जहांगीर के देवताओं के रूप में माना जाता है क्योंकि वे कोटगढ़ कुमारसंद रामपुर बुशहर के सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। हिंदुओं के अनुसार वैशाख माह से शुरू होता है। हर साल प्राचीन काल के अनुष्ठानों के अनुसार देवता चतुर्मुख जी विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। देवता चतुर्मुख जी जत्राड़े ठिरछू और मेलों में शामिल होने के लिए विभिन्न गांवों का दौर करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाखी के 8वें दिन को ठिरछू मेले में भाग लेने के लिए चतुर्मुख देवता जी खड़ाण जाते हैं। खड़ाण को देवता जी का जन्म स्थान माना जाता है। राजा पद्मदेव जी ने अपनी गद्दी के लिए शर्त रखी थी जो इस पर बिना किसी सहारे के बैठेगा वो इस फाग मेले का राजा होगा। देवता चतुर्मुख जी से पहले बहुत सारे देवी देवताओं ने उस गद्दी पर जाने की कोशिश की पर वे वहां तक ना पहुंच पाए। फिर देवता चतुर्मुख जी उस गद्दी पर बिना किसी के सहारे बैठ गए और वहां के राजा घोषित हुए।